2024 की शुरुआत के साथ पीएम मोदी आज से दो दिन के साउथ दौरे पर केरल, लक्षद्वीप और तमिलनाडु जाएंगे। अपने दो दिनों के दौरे में सबसे पहले पीएम आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो भारतीदासन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन को संबोधित करेंगे। उसके बाद तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के साथ ही तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। उसके बाद पीएम लक्षद्वीप रवाना हो जाएंगे, जहां अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही लक्षद्वीप को 1150 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम आज तमिलनाडु पहुंच रहे हैं तो तिरुचिरापल्ली में उनके स्वागत की बड़ी तैयारी की गई है। सड़कों को बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर से सजाया गया।2024 में पीएम मोदी का पहला दौरा। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप को सौगात। वाराणसी में तमिल संगमम के शानदार आयोजन और दक्षिण के राज्य तेलंगाना में बीजेपी के अब तक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन के बाद आज पीएम दो दिनों के लिए साउथ के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो आज तमिलनाडु और लक्षद्वीप पर रहेंगे तो कल केरल का दौरा करेंगे। मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। अपने दो दिनों के साउथ दौरे के पहले दिन पीएम मोदी आज तमिलनाडु को 19,850 करोड़ की सौगात देंगे, तो वहीं लक्षद्वीप को भी 11,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी अपने दौरे में सबसे पहले आज तिरुचिरापल्ली के भारती दासन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, तो दोपहर करीब 12 बजे तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस, शिपिंग और उच्चतर शिक्षा से जुड़ी 19,850 करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। करीब 3:15 पर प्रधानमंत्री अगाती लक्षद्वीप पहुंचेंगे, जहां वो एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। 3 जनवरी को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में कारावती पहुंचेंगे, जहां अनेक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी और लक्षद्वीप में दूरसंचार, पेयजल, सौर ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। अपने साउथ विजिट को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अगले दो दिनों में मैं तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लूंगा। कार्यक्रमों की शुरुआत तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से होगी, जहां मैं भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करूंगा। एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जाएगा, साथ ही अन्य विकास कार्यों का भी शुभारंभ किया जाएगा। इन कार्यों से कई लोगों को लाभ होगा। मैं लक्षद्वीप के लोगों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं। यहां 1150 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इन परियोजनाओं में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सौर ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा समेत कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम अपने दो दिनों के दौरे में जहां दक्षिण के राज्यों में विकास योजनाओं की सौगात देंगे, तो वहीं 2024 में बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खोलने का काम भी करेंगे।